वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका बेस क्लियर होगा हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब दूसरे पर डिपेंड ना हो, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट में था, ठीक है। तो यहां पर भी कम से कम मिनिमम कितने एक्सपेरिमेंट होंगे, वहां पर इवेंट थे तो कम से कम दो इवेंट, यहां पर एक्सपेरिमेंट है तो कम से कम दो एक्सपेरिमेंट जरूर होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और हमें निकालनी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि टू रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। कब होंगे, जब एवरी पेयर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट है उनमें भी सब केस हो सकते हैं। सबसे पहले दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, किस तरीके से, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एक कॉइन टॉस किया गया है, एक साथ में उसी के साथ में एक डाई को रोल टॉस किया गया है, इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है दोनों साथ में, ठीक है। कॉइन के लिए जैसे ए इवेंट है, ठीक है, डाई के लिए उसमें कुछ बी इवेंट है, ठीक है। ए इवेंट में जैसे मान लीजिए एड है, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, एड और टेल। ए इवेंट है जैसे एड के लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 इस तरीके से, ठीक है। और बी है जैसे डाई पर जैसे नंबर आना चाहिए 5 या फिर 6, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर होगी, दो फेवरेबल केसेस डिवाइड में सैंपल स्पेस। क्या आएगा सैंपल स्पेस, डाई में सैंपल स्पेस के लिए कितने सैंपल पॉइंट होते हैं, 6, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब यहां पर इस इवेंट का सैंपल स्पेस अलग है, इसका अलग है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट अलग है, ये अलग है, ठीक है। लेकिन ये दोनों इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब क्या हो हमारे पास की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ साइमल्टेनियसली, ठीक है, ऑक्यूरेंस, मतलब दोनों की साथ होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से दोनों की साथ, मतलब काम तभी कंप्लीट होगा जब ए भी पूरा हो चुका हो और बी इवेंट भी पूरा हो चुका हो, इस तरीके से, ठीक है। किसके बराबर होगा, वो उनकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ए और बी की अलग अलग, इस तरीके से, जैसा हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट में था, ठीक है। यहां पर इवेंट की जगह एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, दो कम से कम दो एक्सपेरिमेंट जरूर होंगे और उसके लिए ये कंडीशन है, ठीक है। अगर तीन हो तो कभी, जैसे तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट और वो साथ में होने चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों की अलग अलग मल्टीप्लाई, इस तरीके से, ठीक है, तीनों इवेंटों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी और उनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, वो क्या होंगे, तब तीन इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, या फिर तीन एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में सब केस क्या हो सकते हैं, कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो, ठीक है, ये उनके सब केस हो सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल में हमारे पास कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा, जैसा इंडिपेंडेंट इवेंट में था वही यहां पर अप्लाई होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट में भी ये कंडीशन थी, यहां पर भी सेम कंडीशन है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल के लिए किस तरीके से, जैसे सबसे पहले हमारे पास कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट है कि ए और बी, जैसे हम नाम रख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकते हैं, ठीक है, ए और बी है, जैसे अपीयर फॉर टू पोस्ट, ठीक है, दो पोस्ट के लिए उन्होंने अपीयर किया, ठीक है, अलग अलग किया, ठीक है, ए ने अलग पोस्ट के लिए ट्राई किया, बी ने अलग पोस्ट के लिए ट्राई किया, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन के लिए, ठीक है, किस तरीके से गिवन, हमारे पास 3/5, ठीक है, मतलब 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और बी की गिवन हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये गिवन भी हो सकती है या फिर निकालने भी हो सकती है, इससे ज्यादा सिर्फ कैलकुलेशन में ही होगा, बस हमने प्रोसीजर का पता हो, ठीक है, प्रोसीजर वही रहेगा जो इंडिपेंडेंट इवेंट में था, ठीक है, कैलकुलेशन लेंथ ही हो सकती है बस यहां पर, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, कि ओनली वन ऑफ देम सेलेक्ट, ठीक है, ओनली वन ऑफ देम सेलेक्ट, मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि केवल एक ही, ठीक है, ओनली वन ऑफ देम, ओनली मतलब कम केवल एक ही, या तो
पहला स्टूडेंट अप्लाई होगा या फिर दूसरा स्टूडेंट उस पोस्ट के लिए अपीयर करेगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, अब दोनों ने ट्राई की, ए और बी ने दोनों ने ट्राई किया अलग अलग पोस्ट के लिए, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन उनमें से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी हमें, किस तरीके से हो सकती है यहां पर केस की, ए ने ट्राई की हो, ठीक है, वो अप्लाई हो गया हो लेकिन बी ना कर पाया हो, इस तरीके से काम तभी कंप्लीट होगा जब दोनों ने ट्राई की, ठीक है, इस तरीके से, तब तक मल्टीप्लाई, या फिर प्लस का साइन कहें, और कहें, या फिर यूनियन कहें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है यहां पर कि ए अपीयर ना कर पाया हो लेकिन बी अप्लाई हो गया हो, इस तरीके से, ठीक है, यही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में, इवेंट में जो काम की बात है वो क्या है कि कहां पर मल्टीप्लाई, जैसे यहां पर कहां पर मल्टीप्लाई का साइन होगा और कहां पर ये प्लस का साइन होगा, ठीक है, बस हमें ये समझना है, ठीक है। मल्टीप्लाई तब तक रहेगी जब तक कोई भी काम कंप्लीट ना हो, ठीक है, वो जैसे यहां पर दो इवेंट थे, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तब तक मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। और प्लस का साइन कब होगा, जब काम कंप्लीट हो जाए, मतलब एक केस ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर अब जैसे यहां पर ओनली वन ऑफ देम था, इसी की जगह हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसकी, एटलीस्ट वन की, ठीक है। एटलीस्ट वन के हम न्यूमेरिकल पहले सोल्व कर चुके हैं इंडिपेंडेंट इवेंट में, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एटलीस्ट वन का मतलब कि कम से कम एक वो पोस्ट के लिए अप्लाई हो चुका हो, मतलब कि इस तरीके से प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है हमें कि कम से कम एक, सबसे पहले कम से कम एक इस तरीके से ए अपीयर कर चुका हो लेकिन बी ना कर पाया हो, या फिर क्या हो सकता है इसका अपोजिट, ए ना कर पाया हो बी अपीयर कर पाया हो। अब है एटलीस्ट वन, ठीक है, कम से कम एक, अब दो स्टूडेंट थे तो, या फिर दोनों, ठीक है, इस तरीके से ए और बी दोनों अप्लाई कर चुके हो, ठीक है। या फिर एटलीस्ट वन किस तरीके से, वन में से माइनस कर दें किसकी, कि किसकी प्रोबेबिलिटी कि नन ऑफ देम विल सेलेक्ट, ठीक है, नन ऑफ देम सिलेक्टेड, इस तरीके से, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बस यहां पर ध्यान रखना कि वहां पर इवेंट थे, वहां पर एक्सपेरिमेंट एक ही था, मतलब जो सैंपल स्पेस इंडिपेंडेंट इवेंट में था, जो नीचे सैंपल स्पेस था वो सेम था, ठीक है, जैसे वहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए इंडिपेंडेंट इवेंट थे हमारे पास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों के लिए इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे एक और न्यूमेरिकल हमारे पास किस तरीके से, जैसे कि किसी, जैसे ए और बी फिर से दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन हो किस तरीके से, जैसे कि 5/6, ठीक है, और बी की गिवन हो, ठीक है, बी की गिवन हो हमारे पास 9/10, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है कि जैसे ए और बी दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, ठीक है, किस तरीके से, जैसे ए की बात कुछ और है बी की कुछ और है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट अलग है ये अलग है, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दोनों स्टूडेंट कॉन्ट्राडिक्ट करें, मतलब कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बोले, ठीक है, यही क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर कब होगी, इसको क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि ए पहला स्टूडेंट कुछ कहे दूसरा उसका अपोजिट कहे, ठीक है, दो ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है कि ए, ठीक है, ए ने कुछ कहा लेकिन बी उसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब इस तरीके से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में यही होगा, नॉट बी, ठीक है, या फिर प्लस का साइन। दूसरा केस, ये केस अलग है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि नॉट ए और बी, इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, ठीक है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। जैसे ए की है, सबसे पहले हमें नॉट ए और नॉट बी चाहिए, ठीक है, तो नॉट ए के लिए फॉर्मूला हमारे पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है,
प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, डिवाइड में सैंपल स्पेस, ठीक है, या फिर किसके बराबर होती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन में से वो इवेंट ना हो, इस तरीके से नोट ही, ठीक है। जो बेसिक चीज है वो हमारे पास क्या है कि जैसे कोई इवेंट है, ठीक है, कोई इवेंट है या फिर कोई काम है, उसके सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, या तो वो हैपन या फिर नॉट हैपन, ठीक है, सिर्फ दो ही ऑप्शन है। और इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी ऐड कर दें, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, वन के, इस तरीके से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें यहां पर नोट ए नोट बी इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और यहां पर वैल्यू पुट अप करनी है और सोल्व करना है, ठीक है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल होंगे इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।